sales type please manufacturer cum leisure or finance please direct leisure okay only financing manufacturer cum leisure sales type please so conceptually items agree dekhne ke pehle conceptually jo financing is na financing please usme leisure ko केवल एक ही फायदा होगा इंटरेस्ट का इसका फायदा इंटरेस्ट का कंसेप्चुअली वो तो कैश कमा रहे तो केवल इंटरेस्ट का फायदा उसको होगा बट अगर वो मैन्युफैक्चरर का लेजर है तो पहला तो अपना एसेट लीज पे दिया बंदे एक तरह से बेचा तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा शुरू में बेचते ही और उसके अलावा पैसा उससे भी लिया वाले वाले ले रहे तो इंटरेस्ट के साथ ले रहे तो इंटरेस्ट का फायदा तो इंटरेस्ट वाला पार्ट तो दोनों का सेम ही है सेल्स टाइप का और फाइनेंशियल का केवल इसका ग्रॉस प्रॉफिट शुरू में आएगा और उसका ग्रॉस प्रॉफिट शुरू में नहीं आएगा ठीक है तो दैट्स द रूल रिगार्डिंग हाउ टू डू द सेल नीचे में पॉइंट लिखना प्लीज नीचे में मुझे अगर अपना एसेट है इन्वेंट्री पे लगा वो हम बेच इन्वेंट्री मेरा 5 लाख है हम बेचते 7 लाख में 2 लाख का प्रॉफिट तो आता है ना पीएल में 7 लाख का सेल और डेबिट साइड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम उसको 7 लाख में बेचने के बजाय 20 पे दिए तो 7 लाख के बजाय 10 लाख आएगा तो 7 और 10 का बीच का क्या इंटरेस्ट है और 2 लाख का तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है ना ओके मैन्युफैक्चरर का लेजर को जीपी कमाता है शुरू में और प्लस क्या कमाता है हर साल इंटरेस्ट और जो फाइनेंशियल है वो कोई चिपी डिग्री नहीं कमाता है केवल क्या कमाता है इंटरेस्ट ओके नाउ नीचे में देखना नीचे में हां ऐसा सिचुएशन होता है उसके दोनों का ही बुक में एसेट दिखा रहा है हां दोनों का दोनों का बुक्स पे एसेट दिखा रहा है ये सिचुएशन नहीं हो सकता है क्योंकि अगर उसका बुक्स पे अपने एसेट दिखा रहा है लेजी का बुक्स पे एसेट दिखा रहा है और अगर यहां पे बाकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो दोनों का बुक्स पे दिखा रहा है दोनों का और अंतिम पर तो जो ये लॉ मेकर बहुत खुश होगा उसके से बहुत खुशी होगा ना चल तेरे को भी दिखाना पड़ा और तू भी रेगुलर इंक्वायरी कर रहा है हां ओके सुनो ये जो सेल्स टाइप प्लीज है उसका अकाउंटिंग बता रहे नीचे सेल्स टाइप प्लीज का अकाउंटिंग सेल्स टाइप प्लीज का अकाउंटिंग स्टेप 1 सेंड इन्वेंटरी फ्रॉम बैलेंस शीट टू सीओजीएस इट विल कम स्टेटमेंट सेंड इन्वेंटरी फ्रॉम बैलेंस शीट इनटू सीओजीएस इन इनकम स्टेटमेंट Send inventory from balance sheet into COGS in income statement ना this is clear अगर तू भी manufacturer है तो तुम्हारे inventory में माल पड़ा होगा अब जब बेच दिया तो inventory को वहाँ से उठा के COGS में income statement में डालो is okay with us number two on the asset side show an account called Show an account called investment in lease dash PD of the amount क्या है PD of the lease rentals plus PD of salvage is it okay एसेट साइड में आपका इन्वेंट्री उड़ गया और अगर एसेट अगर आप किसी को लोन दिए हैं लोन तो लोन दिए हैं तो फिर आएगा ना एसेट साइड में क्या मेरे धीरे धीरे पैसा आने वाले तो एसेट साइड में आएगा इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज रेंटल प्लस द पीडी ऑफ सैलरीज वो आ गया बुक्स पे ठीक है ना उसके बाद स्टेप थ्री स्टेप थ्री जो आपने स्टेप वन लिखा ना सेंड इन्वेंटरी इनटू व्हाट सीओजीएस ना तो उसमें जो सीओजीएस लिखा था उसको अंडरलाइन करना ना सीओजीएस को अंडरलाइन करके स्टेप थ्री में देखो सीओजीएस इक्वल टू वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी माइनस पीवी ऑफ सैलरीज थिंक अबाउट इट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्वेंटरी का अमाउंट नहीं दिखा रहे सिंस तुम्हारा जो आइटम बेचा है उसका सैलरीज वाली तुम्हारे पास लास्ट में आने वाला है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है तो जो इन्वेंटरी का कॉस्ट था माइनस द पीडी ऑफ सैलरीज ओके जो इन्वेंटरी जितना भी दिखाया हुआ है वो कॉस्ट नहीं है बिकॉज उसमें से सैलरीज तो मिल जाएगा
तो the COGS is shown at what figure? The inventory जो हमने costing में LCM में जो चल रहा था वो inventory minus the PD of salvage, that is COGS. फिर number four sales revenue in the PL. Sales revenue in PL equal to PD of the lease rentals bracket not salvage. PD of the lease rentals bracket not salvage. Okay, salvage को revenue wise दिखाना allowed नहीं. PD of the lease rentals. Okay, वो sales revenue दिखा रहा. फिर point number five. जो point number four और point number three है. Point number four क्या है? Sales. Point number three क्या है? COGS. तो sales minus COGS क्या है? GP. GP in the first year. GP in the first year. Gross profit in the first year. Equal to sales minus COGS. Sales minus COGS. Point number six. Every year you receive rent. Every year you receive rental income. Dash split this into interest and principal portion. Split this into interest and principal portion. ठीक है? Notation वाइज से जाना पड़ेगा. Split this आगे आ गया. अब शुरू में क्या होता है? जैसे ही आपने lease पे दिया lease पे, उससे मैं factually speaking cash flow जरूर. जैसे ही lease पे दिया, cash कहाँ आएगा? अगर तुम धीरे-धीरे बढ़ा दिया, cash ना आए ना दिया है, but accounting point से क्या किया जाता है? जैसे ही आपने lease पे दिए, वैसे ही अपना एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट इन लीज आया ना, तो जब एक एसेट इंक्रीज करते हैं तो क्या आता है? आउटफ्लो के इनफ्लो. एसेट का इंक्रीज इज व्हाट? आउटफ्लो ना. सीएफआई में आउटफ्लो माना जाता है. पहले सुन लो, सीएफआई में क्या माना जाता है? आउटफ्लो. एज ए किसी को लोन दिया है, एज ए किसी को लॉन्ग टर्म लोन दिया है, कोई शेयर बाय किया है, कोई डेट बाय किया है, तो सीएफआई में क्या माना जाता है? आउटफ्लो. जबकि आउटफ्लो हुआ नहीं है तो कहीं इनफ्लो भी तो आना चाहिए. सीएफओ में इनफ्लो. कहां में इनफ्लो? सीएफओ में इनफ्लो. कौन से डायरेक्शन से? CFO में इंट्रो इन द सेंस दैट इन्वेंटरी कम हो गया. तो इफ यू रिमेंबर CFO जो निकालते थे इनडायरेक्ट मेथड से, तो CFO जब इनडायरेक्ट मेथड से निकालते तो नेट इनकम प्लस नॉन कैश चार्जेस प्लस चेंज इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स. तो इन्वेंटरी वहां से निकालेगा फॉर इन्वेंटरी, तो एक तरह से CFO में क्या हो गया? एड. CFO में एड. और जो तुम्हारा जीपी आया ना, जीपी जो लिखाया ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा पॉइंट में लिखा है? फिफ्थ. तो जीपी के कारण एनपी बढ़ा हुआ है, नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, और नेट प्रॉफिट से ही तो इनडायरेक्ट मेथड में सीएफओ निकालना चालू करते हैं. सीएफओ कैसे निकालते हैं? नेट इनकम प्लस माइनस. तो नेट इनकम के अंदर जीपी आ गया और इन्वेंटरी का फॉल वो तुम्हारा चेंज इन वर्किंग कैपिटल के थ्रू आ गया, तो सीएफओ इनडायरेक्टली बढ़ जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ दैट अमाउंट और सीएफआई गिर जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ दैट अमाउंट. तो सीएफआई लेस सीएफओ एड, अल्टीमेट नेट कैश फ्लो क्या रहेगा? जीरो. बट इफेक्ट तो बहुत जरूर करें, क्योंकि सीएफओ इंक्रीज कर रहे हैं और सीएफआई क्या कर रहे हैं? लेस. लेट दो Initially, CFI has an outflow. CFI has an outflow to the extent of investment in lease. तो जो investment in lease दिखाया था ना, उतना CFI में outflow हो गया. First off, this is tackled by CFO inflow. This is tackled by CFO inflow. CFO inflow कहाँ कहाँ से हुआ? CFO inflow हुआ GP, जो GP है GP, and plus the decrease in inventory. GP plus the decrease in inventory. वहाँ से CFO में उतना inflow हो गया. Okay? CFO में उतना inflow हो गया. Indirect method सोचा है, indirect method. Net profit से चालू किया. ठीक है? तो CFO में उतना inflow हो गया. तो no effect on cash flow. No effect on overall cash flow to begin with. ठीक है? अपना जो पॉइंट नंबर सिक्स लिखा हुआ था ना, वो जो पेमेंट आ रहा है, क्या लिखा था? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. तो जो इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट वो तो सीएफओ में इनफ्लो. एवरी ईयर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो सीएफओ में इनफ्लो, और एवरी ईयर जो प्रिंसिपल आ रहा है वो सीएफआई में आउटफ्लो. CFI में इनफ्लो, CFO में इनफ्लो, CFI में इनफ्लो.
Rentals. CFO बढ़ रहा है interest portion से और CFI बढ़ रहा है principal portion से. बहुत बार स्टूडेंटों को helpful लगता है कि वो याद करता है capital lease में lessee का CFO and CFF are affected. CFO and CFF जो हमारा loan है और यहाँ पे loan दिया हमारा दिया हुआ है यहाँ पे what are affected CFO and CFI. वहाँ पे CFO and CFF यहाँ पे CFO and CFI. Last slide. Off balance sheet financing जो है ना उसमें से एक दो तो openly speaking L2 के कैलकुलम में पर एक दो जो अपने टोटल कंट्रोल में पहले वो देख लो सेल ऑफ रिसीवेबल देखा नंबर टू एक बिफोर दैट आई कम कम डाउन ऑन द पेज नीचे पेज के नीचे आना और वहां लिखना पर्पस पर्पस क्या व्हाट्स द पर्पस ऑफ ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग द पर्पस ऑफ ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग इज टू शो दैट यू आर मोर रिस्की और लेस रिस्की लेस रिस्की टू शो दैट वी आर लेस रिस्की द पर्पस ऑफ ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग इज टू शो दैट वी आर लेस रिस्की टू शो दैट वी आर लेस रिस्की एंड इफ वी आर लेस रिस्की वी विल बी एबल टू रेज at lower case or higher case lower case to reduce case to off balance sheet financing ka purpose yahi hota hai kaash public ko yahi lage ki hum log kam the risk hai aur hum log funds kam the cost pe procure karna hai that is the purpose of balance sheet financing aur fsa ka purpose kya hai fsa ka purpose hai open karke sab cheezon ka show karna theek hai ki uska debt wagaira kitna hai to fsa ka purpose ho gaya wo jo chupa rakha hai debt wo apne ko transparently dikhana hai ऑफ बैलेंस शीट को ऑन बैलेंस शीट करना है उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल था ऑपरेटिंग लीज ठीक है तो इस पे सेलिंग रिसीवेबल्स देखो नंबर 2 सेलिंग रिसीवेबल्स लेवल वाला स्टफ है फैक्टरिंग है फैक्टरिंग सेलिंग रिसीवेबल्स इज व्हाट फैक्टरिंग रिमेंबर द वर्ड रिकॉर्ड्स नॉन रिकॉर्ड्स अगर आपने नॉन रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग किया नॉन रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग इट शुड बी ट्रीटेड एज ट्रू सेल और फैब्रिकेटेड सेल ट्रू सेल अगर नॉन रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग किया ना You have sold the receivable. अब अगर वो करेक्ट नहीं कर पाए वो सल्टेगा हमको मतलब नहीं है हमने रिसीवेबल बेच दिया तब तो वो ट्रू सेल है वी डोंट माइंड वी विल नॉट टेक इट ऑन बैलेंस शीट अगर नॉन रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग है यू आर सेलिंग योर रिसीवेबल्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक इज दैट अगर बैंक वाला कलेक्ट नहीं कर पाए रिसीवेबल्स पे वही सल्टेगा अपने को मतलब नहीं है तो ट्रूली तो सेल है ओके तो उस केस में नॉन रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग में हम लोग कोई आपत्ति नहीं हम लोग ऑफ बैलेंस शीट को ऑफ ही रहते हैं बट जनरली नॉन रिकॉर्ड्स होता ही नहीं कौन सा फैक्टरिंग होता है रिकॉर्ड्स तो रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग में सुना प्लीज ये लोग क्या कर रखे हैं व्हाट हैज द मैनेजमेंट डन वो लोग का रिसीवेबल्स था वो लोग को पैसा चाहिए था तो वो लोग क्या कर सकता था एक बोरिंग ले सकता था अगेंस्ट द रिसीवेबल्स बट बोरिंग विद द करंट लायबिलिटी तो वो लोग का डेट इक्विटी रेशियो बढ़ता लिक्विडिटी खराब होता तो वो लोग को लगा लेट्स नॉट गो फॉर दैट वो लोग क्या दिखाया अकाउंट रिसीवेबल को हम लोग सेल कर दिए सेल और उससे पैसा आए तो अकाउंट रिसीवेबल अगर डिक्रीज हो गया तो सीएफओ में तो पैसा ऐड हो जाएगा डेटर्स डिक्रीज हुआ तो सीएफओ में पैसा ऐड एक तरफ वो का सीएफओ सुधर गया दूसरे तरफ जो पैसा आया वो का वो पैसे से डेट चुका दिया तो करंट लायबिलिटी का डेट का तो डेट इक्विटी रेशियो लोअर लिक्विडिटी पोजीशन बेटर सीएफओ बेटर पूरा का पूरा स्टोरी चेंज हो गया क्लियर हो दे हैव सम डेटर्स दे कुड हैव टेकन सम लोन अगेंस्ट द डेटर्स बट इफ दे हैव टेकन अ लोन द लोन वुड हैव बीन शोन एट अ सीएफएफ अंडर व्हाट सीएफएफ प्लस उससे वो लोग का डेट इक्विटी रेशियो बढ़ जाता लिक्विडिटी खराब हो जाता तो जानबूझ के उसी लोन को दूसरा नाम दे दिया हम लोग तो रिसीवेबल सेल किए बट इफ यू डिग इनसाइड यू फाइंड इट्स नॉट अ ट्रू सेल व्हाई बिकॉज़ इट्स रिकॉर्ड्स बैंक वाले को इसको बेचे है बात ये हुआ है बैंक वाला अगर पैसा कलेक्ट नहीं कर पाया तो पैसा कौन देगा हम लोग देंगे बट इट्स नॉट अ ट्रू सेल यू आर स्टिल रिस्पांसिबल फॉर इट तो अ रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग इज नॉट अ ट्रू सेल वी नीड टू रिवर्ट इट बैक एंड शो इट लाइक कोलैटरलाइज्ड बॉरिंग एंड शो इट लाइक collateralized borrowing recourse factoring is not a true sale you need to revert it back and show it like collateralized borrowing
विच मीन्स आपको क्या करना है, आपको रिसीवेबल्स को बढ़ाना है या गिराना है? बढ़ाना है।